अब ये जानते हैं कि वरूथनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा कैसे करेंगे। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होगा और अगर आप उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न मत खाइएगा, और अगर अन्न खाते हैं तो चावल मत खाइएगा, सात्विक भोजन करिएगा। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करिए, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करिए, उसमें तुलसी दल डालिए, इसके बाद उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। एकादशी के अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें, व्रत का समापन करिएगा। अगले दिन प्रातः अन्न का दान करना अच्छा रहेगा। तो वरूथनी एकादशी पर आप भगवान की ऐसी पूजा कर सकते हैं जिससे आपके मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस स्तुति का पाठ करें, चलिए आपको बताते हैं। प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करिए। जीवन में प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, मंगल चाहिए, तो वरूथनी एकादशी पर मधुराष्टक का पाठ करिएगा। कठिन से कठिन कोई समस्या है, उसका निवारण चाहते हैं तो वरूथनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। संतान संबंधी कोई भी समस्या है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। भक्ति चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। अगर पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं एकादशी के पावन अवसर पर तो भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप कोई पाठ करें या ना करें, लेकिन वरूथनी एकादशी पर वल्लभाचार्य द्वारा लिखित मधुराष्टक का पाठ करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।